श्री शिवाय नमस्तु। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज, बहुत ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं, और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते, बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते, देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में देवता नाराज है, नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस बस उतना याद कर लो, बहुत है, इतनी इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम या हम, बस इतनी इतनी याद कर लो, बस हर कथा में से इतनी इतनी निकाल लोगे ना तो थोड़ा 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 तो यहाँ समझ में तो आए, लगे तो सरी कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारी तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए, कैसे भजन कर? कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज, बहुत ध्यान देना। पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है, स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में वास, 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय ब्राह्मण बहन बेटी ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो, रोग मिटाई, शिव का स्मरण करो। कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है तो क्या हम बाजार से ले आए?
और हमारे यहां पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं, शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ाएं। हे तो ठीक है, नी है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत करना। जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये करकर आओ, जाओ जरा, जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई भगवान से कह देना, तुम ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे, पहले नहीं मालूम था, तो हो गई गलती, हो गई, स्वीकार हमने गलती करी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कराया महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला, तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदु की धर्म पत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदु जो पानी में डूब कर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पहले भी कथा में कहा, पानी में डूब कर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बेकुंठ जाता है, ना नरक जाता है, वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी, कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी, कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी
ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है। शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे, शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया चंचुला देवी? 6 वर्ष की कन्या थी, बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई को, लोई आटा जो उसना हुआ रहता, उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर, जो माँ शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।